गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं। डॉक्टर आपसे बात करना था, ये वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है। अच्छा, ऑपरेशन करना था। समझ में नहीं आ रहा, तुम एक गायनेकोलॉजिस्ट को फोन कर रही हो जो खुद एक औरत है और तुम उसको कह रहे हो कि मेरी बीवी जो है उसको लड़की होने वाली, तो आप ऑपरेशन करा रहे, आप किसी बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो ऑपरेशन? चूंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो। इसे मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। डॉक्टर आपको मालूम है कि इंसान की फिक्र ये हुआ करती थी जब उसकी लड़की होती थी कि जब जवान हो जाएगी तो क्या होगा। डॉक्टर वहां तक तो पहुंच ही नहीं गई। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो इंसान के एक हाथ में आ जाती है। उसका रेप हुआ है। खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। Thank you.